टीवी हर घर में है और टीवी सुबह शाम एक ही राग लापता है, हिंदू 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 हिंदू। अभी भी हमारा देश पूर्णतः आजाद नहीं है, हम चंगुल में है वर्ण व्यवस्था के। अगर ओबीसी को आरक्षण लागू है तो बताइए सुप्रीम और कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितने जज ओबीसी के लगे हुए हैं? सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे जज, सब फेल, सब मोदी जी बोलेंगे। पंडितों ने, यार पंडित कौन है? 100% हर मंदिर में पंडित कौन है? ब्राह्मण है कि सेब भी अडानी बना रहा है, सरिया भी रिलायंस बना रही है, आपका पेट्रोल भी सीएनजी भी वही पैदा कर रही है, सब कुछ अंबानी अडानी टाटा बिरला। हाँ, भारत का विकास हो रहा है, बेरोजगारी में नंबर वन, शराब में नंबर वन, अश्लीलता में नंबर वन, रेप में, बलात्कार में नंबर वन। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं अभी राजबला सैनी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये अभी आई हैं ओबीसी, जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसके तरफ से ये आई हुई हैं और हम लोग इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। मैम पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या मामला इन लोगों का क्या है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ओबीसी को आरक्षण तो है 27%। सबसे पहले तो कल जो है अशोका जन्माष्टमी है, मैं सारे देशवासियों को अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और उनके जो विचार हैं कि जब वो सम्राट बने, अखंड भारत का निर्माण किया, तो उन्होंने एक घंटी अपने दरवाजे पे लगा दी थी कि मैं पार्क में घूम रहा हूँ, चाहे महल में हूँ, चाहे मैं अपने शयन कक्ष में हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई फरियादी कोई भी दर्द लेकर मेरे पास आएगा तो मैं अपने हर काम छोड़कर उसकी फरियाद और उसके दुख को दूर करने का सबसे पहले प्रयत्न करूँगा। तो ऐसे सम्राट अशोक की जो संतानें हैं, जो आज पिछड़ा वर्ग में आ गई है, ऐसे हालात में हम लोग आ गए हैं कि अखंड भारत को छिन्न छिन्न भारत, टुकड़े टुकड़े भारत कर दिया है, तो उसी की वजह से आज हम इस जंतर मंतर के प्रांगण पर अपने हकों को छीनने के लिए आए हैं। हकों को छीनने के लिए आए हैं, मैंने कहा हम इस देश के हुक्मरान, और आज हमें जो आप कह रही हैं कि ओबीसी को आरक्षण लागू है, अगर ओबीसी को आरक्षण लागू है तो बताइए सुप्रीम और कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितने जज ओबीसी के लगे हुए हैं? आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के जो है 90% से अबव जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज है, सिर्फ एक ही जाति के। नहीं नहीं, ब्राह्मण से आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ब्राह्मण से? दिक्कत इसीलिए है कि अगर मैं सारा हक आपको खा लूं तो आपको मेरे से दिक्कत होने लग जाएगी। पूजा भी तो आप ही लोग करती हैं। देखिए ब्राह्मणों को शादियों में बुलाती है और फिर और आप लोग फिर उसका बहिष्कार भी करती है और चोरी चोरी शादियों में भी बुला रही है, ये तो गलत है, ये तो दोहरी मानसिकता है। देखिए कहीं आपको बिंदी दिख रही है, कहीं सिंदूर दिख रहा है, कहीं चूड़ियां दिख रही है, कहीं पजेब बिछुए दिख रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र दिख रहा है, तो मैंने तो सारे बंधन छोड़े हुए हैं। ठीक है, रहा पूजा पाठ, मेरे घर में माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कबीरदास, रविदास, गौतम बुद्ध, ये मिलेंगे, इनकी विचारधारा मिलेगी। अगर कोई नहीं मिला मूर्ति तो इनकी विचारधारा मिलेगी, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा में यकीन ना करकर मैं अपने पूर्वजों की जो है विचारों पे चलने में ज़्यादा जो है अपना कायम रहती हूँ। मेरे विचार ओबीसी का आरक्षण इसमें क्या क्या वो लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो इस देश को गुलाम बनाया, कभी मुगल आए कभी अंग्रेज आए, लेकिन अभी भी हमारा देश पूर्णतः आजाद नहीं है, हम चंगुल में है वर्ण व्यवस्था के। इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है। आप बहुत बड़ी बात कह रही है, वर्ण व्यवस्था और चंगुल, जो अभी किसका राज चल रहा है? अभी तो अमृत काल चल रहा है। हाँ, अमृत काल चल रहा है, शराब रहो, नशा रहो, चरस रहो, गांजा रहो, ये पियो और धुत रहो, अमृत काल मिल गया तुम्हें ना। तो अमृत अमृत काल और विष काल, क्या अमृत और विष है?
ठीक है, कोई काल नहीं चल रहा। जहाँ बेरोजगारी हो, ये जंतर मंतर पर सारे हाहाकार कर रहे हो, वहाँ कैसा अमृतकाल? अमृतकाल तो ये कह सकते हैं जैसे शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, एक के साथ एक बोतल फ्री। कोरोना काल में सब्जी बेचना गुनाह था, पेट पालना गुनाह था, लेकिन एक के साथ एक बोतल मिलनी फ्री और महिलाओं के लिए अलग लाइन। तो देखिए, ये शराब में डूब जाओ, यही अमृत है तुम्हारे लिए। पकड़े गए ना मनीष सिसोदिया भी भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। शिक्षा और शराब दोनों का तो कोई मेल नहीं होना चाहिए। अगर टीचर जिस दिन बच्चों को शराब पिलाने लग जाएगा, माँ बाप का विश्वास स्कूलों से हट जाएगा। और यह तो शिक्षा मंत्री था, शिक्षा मंत्री होकर और शराब में लिप्त, तो ये तो जो है उसने इस देश की गुरुओं की जो हमारी संस्कार चले आ रहे हैं, संस्कृति, उसके ऊपर प्रहार किया है, उसको निंदनीय स्टेज तक ले गया है, इसने जलील किया है शिक्षक समाज को। हम इसका जो है बरसक जो है विरोध करते हैं कि कभी भी ऐसे नेता को शिक्षक शिक्षा मंत्री कभी नहीं बनाना चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं हमारे अच्छे मंत्री हैं, वो शिक्षा के मार्ग में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। देखिए, केजरीवाल जितना ठग तो कोई होगा नहीं। अन्ना हजारे भूखे मरे, इतना व्रत रखा, और भाई हम जो जन लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ जन लोकपाल बिल? तो ऐसे ठगों को जो ठग जो है, पहले ही हम दिल्ली से ठग ले गया दिल्ली को, दिल्ली से ठग के सारा पैसा पंजाब में लगा दिया, पंजाब से ठग के गुजरात में लगा दिया, ऐसा ठग क्योंकि विश्वास पे बातों पे मैं, हम तो महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ महिलाओं के लिए बस चला रहे हैं फ्री में, और क्या क्या चाहिए? स्कूल, सरकारी स्कूल बेहतर काम कर रहा है, और क्या चाहिए? मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर हूँ, और मनीष सिसोदिया द्वारा ही जो है मैं सस्पेंड की हुई हूँ, और मुझे पता है कितना अच्छा इन्होंने मॉडल किया है। आप एक लिस्ट उठा लीजिए, कौन से स्कूल, कितने स्कूल बनवाए इन्होंने, लिस्ट बकायदा जारी करो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मनीष सिसोदिया के लिए तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अरे लिस्ट दो ना, जारी करो, कितने सरकारी स्कूल बनवाए हैं? सारे सरकारी संस्थानों को बेच रहे हो, सारे जो है ठेके अपने लोगों के हाथ में दे रहे हो। नहीं नहीं, एक आप है और एक राहुल गांधी। राहुल गांधी जाके मोदी को चोर कहते हैं और भारत का नाम बदनाम करते हैं विदेश में, और आप यहाँ पे सिसोदिया का नाम बदनाम कर रही हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा तो देखिए मोदी जी कर ही रहे हैं। विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति धरती से आया हूं, भारत में आते हूं तो राम मंदिर बनाने हैं। कम समझ नहीं आ रही बात, कितने दोगले नेता हैं यहाँ के, चाहे केजरीवाल लगा लो, चाहे मोदी लगा लो, चाहे मोहन भागवत लगा लो। मोहन भागवत कहता है कि नहीं, ब्राह्मणों ने का कोई कसूर नहीं है, ये पुजारियों ने जो है ऐसे लिखा है कि ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। बोला पंडितों ने लिखा। हाँ, पंडितों ने यार, पंडित कौन है? 100% हर मंदिर में पंडित कौन है? ब्राह्मण है। तो यानी पंडित यानी ब्राह्मण, तो यानी ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, और ये सारी जो है ऊंच नीच की भावना जो है, ये असमानता सब इन्होंने ही भरी है सबसे ज्यादा, कि मैं सबसे श्रेष्ठ ऊपर हूँ। आप यहाँ पे ओबीसी में, ओबीसी के तरफ से आई हैं, और आप, और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जो है ओबीसी माँ के बेटे है, वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप लोग बदनाम करने पे लगी हुई है प्रधानमंत्री को। देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री जी ओबीसी नहीं है, ठीक है? अगर वो ओबीसी होते, अंबानी अटानी टाटा बिरला व्यापारियों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं फिर वो? और 10% आरक्षण जो है जनरल कैटेगरी का क्यों लागू कराया? हमारा 52 होना चाहिए था, 27 अगर दिया था वीपी सिंह की सरकार ने तो 27 ही दे देता हमें। हमें तो दिया हुआ भी नहीं दे रहे, हमारे तो बैकलॉग भी नहीं भर रहे, और 10% ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को बिना किसी पार्लियामेंट बहस के, बिना किसी समिति बिठाए और लागू कर दिया, तो कहाँ का पिछड़ा हुआ? वो पिछड़ों को ठगने के लिए अपना नाम पिछड़ा, अपनी जाति को पिछड़े में डलवा गए, क्या कर गए? लेकिन जो है वो पिछड़े नहीं है, क्योंकि उनके काम एक भी पिछड़े वर्ग के लिए नहीं। आप लोग कोई भी मोदी जी की तारीफ नहीं करती है, लेकिन चाइना का रिपोर्ट देखिए, जिस चाइना को मोदी जी बोलते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वही चाइना मोदी जी की तारीफ करता है। आपने शायद देखा नहीं होगा, चाइना जो इतना बड़ा दुश्मन है वो भी मोदी जी की तारीफ करता है, और आप लोग देशवासी होके मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, इसमें जो है रिलायंस हो गया, सेब किसान उगा रहा है लेकिन लिखा अडानी है सेब पे भी। इस चीज से हमें वो है कि सेब भी अडानी बना रहा है,
सरिया भी रिलायंस बना रही है, आपका पेट्रोल भी सीएनजी भी वही पैदा कर रही है, सब कुछ अंबानी अडानी टाटा बिरला। तो यानी गुलाम हो क्या आप इनके नौकर? क्या दिक्कत है अडानी? देखिए एक आदमी क्या क्या चला सकता है, उसे किसी चीज किस 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 चीज की नॉलेज है? आपको हर काम हर किसी को सौंपना चाहिए था। इस देश में इंजीनियर है, मन की बात अगर कोई बीमारी होती है तो भी मोदी जी बोलते हैं अरे अच्छे डॉक्टर को बुलवाओ ना, इंजीनियरिंग की बात करनी होती है तो भी मोदी जी बोलते हैं। तो यानी सारे इंजीनियर सारे डॉक्टर सारे वकील सारे जज सब फेल, सब मोदी जी बोलेंगे। इसीलिए देश में समानता नहीं आ रही है, इसी देश में हाहाकार मच रही है, क्योंकि जिसका काम होगा उसी को साझेगा। डॉक्टर की बीमारी की बात है डॉक्टर से बुलवाओ, उनके डिबेट करवाओ, अगर जो है जजमेंट की प्रॉब्लम है जजों को बिठाओ। आप सिर्फ देश देखने के लिए हो कि कोई ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जिसके तरफ से आई है वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और संविधान भी चाहिए, उनमें से एक तो चुनना होगा, हिंदू राष्ट्र चाहिए या संविधान? देखिए संविधान चाहिए, इनका कसूर नहीं है, हमारे इतिहास को नालंदा तक्षशिला को हमारे इतिहास को मिटा दिया गया है, लोगों को नहीं पता है कि इतिहास क्या है। 2015 से पहले मुझे नहीं पता था कौन चंद्रगुप्त मौर्य, कौन अशोक सम्राट, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, एक नाम बता रखा था इन्होंने सरस्वती, ठीक है। तो जब हमारा इतिहास ही जो है छिन्न भिन्न कर दिया, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता ही छिन्न भिन्न कर दी, तो हमें जो है नहीं पता है, तो हम वही बात बोलेंगे जो टीवी में दिख रही है, और टीवी हर घर में है, और टीवी सुबह शाम एक ही राग लापता है, हिंदू 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 हिंदू, बाबा ढोंगी सब बिठा रखे। मुस्लिमों से दिक्कत तो है ना, हिंदुओं को मुस्लिम जो है उत्पीड़न करते हैं हिंदुओं का। देखिए डर और भय की राजनीति चल रही है, धर्म ऐसा पाखंड बना दिया इन्होंने कि डरो, कभी तो इन्हें जो है व्रत से डराओ, व्रत टूट गया तो मरने वाला है, अगर करवा चौथ नहीं लिखोगे तो रखोगे पति मर जाएगा, ओही का व्रत नहीं रखोगे पति क्या दिक्कत है? धीरेन्द्र शास्त्री आप देखिए वो देख के बता देते हैं आपका भविष्य क्या है? आप जो है मुसलमानों को टारगेट कर रखा है कि भाई देखो मुसलमान तुम्हें मार देंगे खा जाएंगे, मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा तो हमें ये जो हिंदू बने भर रहे हैं यही खा रहे हैं, ठीक है। मेरी बेटी के एग्जाम है, डॉक्टरी कर रही है वो, और मंदिर में कीर्तन हो रहे हैं, मैंने कहा कि इसको माइक को कम कर दीजिए, कह रहे नहीं बेटी की पढ़ाई जो है बाद में एक डेढ़ घंटे की बात है, जिस बच्चे को एक एक दिन मिल रहा है और दो दो मोटी किताबें हैं, और औरतें कहती है कि नहीं अभी तो राम के नारे लगाने हैं, दुर्गा माता पूजनी है, पढ़ाई तो एक घंटा बाद भी हो जाएगी। तो ऐसी सोच के जब लोग होंगे तो जनता जो है टीवी में ये पागल बना रहे हैं जनता को, जिस दिन ये टीवी में से ये पाखंडवाद अंधविश्वास ये बाबा बुबा भाग जाएंगे ना सारे। चमत्कारी तो है बाबा, चमत्कार है तो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई पकड़ा गया था तो उसने भविष्यवाणी नहीं करी थी कि तू वहां मत जा, तू बहस मत कर नहीं तो तेरे को जेल हो जाएगी, संविधान लागू हुआ ना, बचा पाया उसका धर्म। बेकार के ढोंगे चमत्कार ममत्कार कुछ नहीं, जाएंगे आप जाइए आपके भविष्य के बारे में बता देंगे। देखिए मेरा भविष्य मुझे पता है, कोई मेरे को जो है दुखी करता है तो वही संविधान के तहत 100 नंबर पे फोन करती हूँ, ठीक है, अगर वो ना मानने तो कोर्ट में जाती हूँ, और कोर्ट भी नहीं मानने तो जंतर मंतर पे आती हूँ। राहुल गांधी को मानती है, आप कांग्रेस को सपोर्ट करती है? देखिए राहुल गांधी से आप केजरीवाल को बोल रही है, मोदी जी को बोल रही है? सुनिए देखिए बहन मायावती जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बननी चाहिए, नीतीश कुमार अखिलेश SC ST OBC का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, या तो आएगी बीजेपी या आएगी कांग्रेस, और तीसरा सपोलिया जो है ये अपना केजरीवाल, ठीक है, और कम्युनिस्ट, ये पार्टियां इन्होंने कह रहे जी फुटबॉल तो तुम तो ये SC ST OBC तो फुटबॉल है, पैर मारते हैं लात बीजेपी, चल भाई वो भी मनुवादी पार्टी, कांग्रेस वो भी मनुवादी पार्टी, 2024 में जनता बहुत अवेयर हो रही है, सोशल मीडिया जो है काफ़ी काम कर रही है, तो इनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है ना, इनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कौन उठाएगा गरीबों का आवाज़? क्योंकि जहां आप लोग बोल रही हैं कि जनता अवेयर हो रही है, कुछ जनता बोली है उखाड़ फेंकेंगे कुर्सी को, लेकिन वहीं पे अमित शाह जो हैं गृहमंत्री वो बोल रहे हैं आगे भी प्रधानमंत्री ही आएंगे, ऐसा क्यों? देखिए झूठ बोलने में तो कुछ भी कहते, अभी कह रहा था केजरीवाल, कह रहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन गया, अभी केजरीवाल की मिसेस का कोई बयान आया था कि राघव चड्ढा की शादी उसके बेटी के साथ हुई थी, हो गई, कहने के तो मुंह है कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, लेकिन जिस दिन वो संविधान का लागू अच्छी पूर्णता होगा
उस दिन जो मानहानि का केस भी तुरंत दायर होगा। ये तो मान रही है ना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, भारत जो है विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहा है, आप ये तो मानती हैं? हाँ, भारत का विकास हो रहा है, बेरोजगारी में नंबर वन, शराब में नंबर वन, अश्लीलता में नंबर वन, रेप में, बलात्कार में नंबर वन, और बताइए किस किस में नंबर वन करना है, शिक्षा में घटिया स्तर पर नंबर वन, ठीक है, रोजगार में जो है चीटिंग परीक्षाओं में जो होती है उसमें नंबर वन, तो सारी गंदी चीजों में नंबर वन है ये। राम राज है, राम राज, राम राज ही, राम कौन था, कौन था राम, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ राम कौन था? पुरुषोत्तम, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या बैकग्राउंड था उसका? पुष्यमित्र शंघु, तो शंघु को बता रहे हो क्या? पुष्यमित्र शंघु तो खुद ही जो है ना किसी की हत्या करके, निर्मम हत्या करके जो है ना राज हत्या के बैठा है, तो आप छोड़िए चोरों के जमात है। उन्होंने साम्राज्य के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया। किसने? राम ने। अपने साम्राज्य के लिए नहीं त्यागा था राम को, तो जब 50% महिलाएं हैं, कहते हैं जी आदमी तो कितनी भी रानियां रख लो हैं, और सीता को बाहर निकाल दिया, तो ये पता नहीं कितनों के साथ सोती होगी, ये महिलाओं का अपमान है, सीता का बार बार बहिष्कार करना, और जबकि वो प्रेग्नेंट थी, हम बहिष्कार करते हैं सर राम की, जो महिलाओं के लिए इतना घातक है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मैम ने बोला कि ये जो राम है हम उनको नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, और ये जो है केजरीवाल और राहुल गांधी और जो मोदी सरकार है, ये तीनों एक ही चट्टी पट्टे के जो हैं लोग हैं, ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये लोग गरीबों बेरोजगारी जो है बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, बात करते सिर्फ हिंदू राष्ट्र पे।